आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में चलो कई सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्प्टी स्पेस दे रखे ना, रिक्त स्थान दे रखे ना, इनको इनको फील करना है, ठीक है। और एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद को हम ए एन लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको जहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ये रहा, सार्वंतर ये रहा, ये पदों की संख्या है और ये एनवा पद है। तो जहाँ रिक्त स्थान है वो ज्ञात करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में एनवा पद खाली है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखें यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का, तो हमको क्या दे रखा है, ए का वैल्यू 7 दे रखा है, सार्वंतर 3 दे रखा है, पदों की संख्या एन दे रखी 8 और एनवा पद पता करना है, समझ रहे हो आप। मतलब आठवां पद निकालना है, ठीक है। पदों की संख्या 8 है और आठवें नंबर वाला पद क्या आएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एनवे पद का। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 7 प्लस एन मतलब 8 में से 1 जाएगा और डी की जगह आ जाएगा 3। ये हो गया 7 प्लस 8 में से गया 7 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21 हो जाएगा 28। तो आप लोग देखेंगे कि एन मतलब 8 रखा था, ठीक है। एन मतलब क्या रखा था, 8। तो आठवां पद जो है आपका आ चुका है 28, ठीक है। चलो तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे एंड कर दिया। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है -18, है ना, डी पता करना है आपको, और आपको दे रखा है एन दे रखा है 10 और एनवा पद दे रखा है 0। तो चलो एनवे पद का सूत्र लगाओ जरा, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद आपका 0 है, बराबर में ए है -18 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह 10 है, तो आप यहाँ लिखोगे 10 में से एक घटाएंगे और डी आपको पता करना है, ठीक है। तो ये माइनस का 18 ट्रांसफर करके इधर ले आओ, 18 10 में से एक जाएगा, कितना आएगा 9, और गुणा में क्या है डी, 9 गुणा को भाग में ले आओ, 9 गुणा से भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया 2 बच्चा लोग, तो डी का मान हमारे पास आ गया 2, है ना। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग फर्स्ट को यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 जो है बच्चा लोग वो ये है कि ए का मान पता करना है, डी का मान माइनस का 3 है, एन बराबर 18 है और ए एन बराबर माइनस का 5। चलो फॉर्मूला लगाओ ए एन का, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो एनवे पद का सूत्र क्या है, सॉरी ये रहा के सामने है ना, एनवे पद का सूत्र, एन का मान क्या है माइनस 5, पहला पद जो है वो पता करना है, तो ये ए ही रहने दो। एन आपको दे रखा है 18, इसमें से एक कम हो जाएगा और डी आपको दे रखा है माइनस का 3। देखो ये है माइनस 5, रहने दो इसको, इसको भी सॉल्व करते हैं। और ये 18 में से एक जाएगा 17, 17 का 3 से गुणा होगा, 17 थी 51 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, है ना। कैसे एक बार बता दो, 18 में से एक जाएगा तो प्लस का 17 आएगा और प्लस के 17 के गुणा में क्या आएगा माइनस का 3, तो फिर ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस, 17 थी 51, ठीक है। इसको इधर ले आओ, माइनस 5 प्लस का 51, क्योंकि माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ए को इधर ही छोड़ दो क्योंकि जिसका मान निकालना वो एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, क्या आ जाएगा ए का मान 51 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा 46, 46 आ जाएगा, ठीक है। तो 46 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा लोग, आगे बात समझ में। तो प्रथम पद आ गया, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे पहले का कंप्लीट होगा। आइए अब हम लोग बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 की बात करें बच्चा लोग, तो 4 नंबर जो है उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या क्या दे रखा है, ए है -18.9, सार्वंतर डी जो है वो 2.5 है, एन आपको पता नहीं है क्वेश्चन मार्क, और एनवा पद आपको दे रखा है 3.6। चलो फॉर्मूला लगाओ एनवे पद के सूत्र का, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपको दे रखा है कितना है 3.6, है ना। प्रथम पद है माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1 और एन तो पता करना है, ठीक है, और डी आपको दे रखा है 2.5। अब बच्चा लोग एक काम करें, इसको इधर ले आए, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 2.5 जोड़ो जरा, 9 और 6 15 के 5 सिलाए 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2 सिलाए 1, 1 और 1 2, ठीक है बच्चा लोग। और ये हो जाएगा इधर 22.5, है ना, क्योंकि 9 और 6 15 5 और 10 की इधर असील का आया 18 3 21 और 1 22.5 एन माइनस 1 और ये गुणा में है 2.5, इसको बटे में ले आओ इधर, तो 22.5 के बटे में आ जाएगा 2.5 बराबर एन माइनस 1। देखो एक एक अंक के बाद 10 तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, ठीक है, नहीं तो यहाँ से 10 हटा के ऊपर 0 लगा लेना और यहाँ से 10 हटा के ऊपर ये 10 लिख लो, ये 10 लिख लो, क्योंकि देखो 10 के बाद एक अंक है तो 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर लगेगा, इसको हटाएंगे तो नीचे, ये काट दो, बात वही है, क्या बचा एन माइनस 1। तो 25 के पाड़े में कितनी बार आएगा, 25 8 200 होता है और 25 9 के 225, ठीक है,
आप लोग देख सकते हो 25 चौक 100 होता है, 25 हटे 200, 25 नौ 225, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है 9 बराबर एन माइनस वन आया, इसको इधर ले आओ, 9 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर 10। यहाँ पे पदों की संख्या बच्चा लोग आ चुकी है 10, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो उसको देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सॉल्यूशन की बात करें बच्चा लोग, तो यहाँ पर ए है 3.5, आपको दे रखी है सार्वांतर 0 और पदों की संख्या है 105 और एन वा पद बता करना है। चलो फॉर्मूला लगाओ, एन वा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन वा पद आपके पास पता करना है आपको, और ए है 3.5 प्लस एन दे रखा है 105, उसमें से एक घटाना है, डी आपको दे रखा है 0, ठीक है। तो जिसका सार्वांतर 0 होता है उसके सारे पद एक जैसे ही होते हैं, ये पीछे पूरा 0 होता है क्योंकि 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो एनवा पद जो है वो 3.5 ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, हर एक पद 3.5 ही होगा क्योंकि सार्वांतर 0 है, तो हर टर्म में यही आएगा, समझ रहे हो आप, 3.5 3.5 3.5 3.5, तो ये जो है क्वेश्चन की पूरी सीरीज में यही पद होगा, तो यही उसका एनवा पद हो गया, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं वो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।